stationary wave or standing waves in a string which is fixed at the two ends. तो उसको देखेंगे कि उसमें किस तरह से जो है स्टैंडिंग वेव्स पैदा होती हैं. आपने देखा था कि इसमें नोड्स और एंटी नोड्स पैदा होते हैं. एक वेव जा रही होती है और दूसरी आ रही होती है सिमिलर टाइप की, सेम वेलोसिटी से मीडियम में, वो सुपर इम्पोज हो जाती है और सुपर इम्पोजिशन से फिर बनती हैं स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव. तो ये जो स्टेशनरी वेव्स हैं ये रस्सी स्ट्रिंग के केस में हम लोग अप्लाई करते हैं उन्हीं दो इक्वेशंस को. पहले हम उसकी थ्योरी स्टडी करेंगे और फिर उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंट टाइप की फ्रीक्वेंसीज उसमें पैदा होती हैं. तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है, स्टेशनरी वेव्स तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं. और स्ट्रिंग भी दोनों साइड से फिक्स है, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ दी एंड्स, फिक्स्ड एट बोथ दी एंड्स. तो कंसीडर ए स्ट्रिंग, हम एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लेते हैं ऑफ लेंथ एल. दिस इज द स्ट्रिंग हैविंग लेंथ एल एंड विच इज फिक्स्ड एट दीज बोथ दी एंड्स, दोनों एंड्स पर ये फिक्स है. यहां पर हम मान लेते हैं एक्स की वैल्यू जीरो है लेंथ, और यहां एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी जो हम वेरी करेंगे, ये मान लेते हैं एल, फुल लेंथ हो गई है. अगर हम इस स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ के एक साइड से ऐसे वाइब्रेट करते हैं तो इसमें वेव्स क्रिएट हो जाती हैं, और जैसे ही हम ऐसे करते हैं तो उसमें एक वेव जा रही होती है और वो दूसरे एंड से रिफ्लेक्ट होकर के वापिस आती है, और जब वो वापिस आती है रिफ्लेक्टेड वेव, और एक होती है इंसिडेंट वेव. दीज बोथ दी वेव्स गेट सुपर इम्पोज एंड फॉर्म दी स्टेशनरी वेव्स. तो चलिए देखते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. हमने कल बताया था आपको कि एक इंसिडेंट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगी और एक रिफ्लेक्टेड प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगी. तो इक्वेशन ऑफ द इंसिडेंट प्लेन प्रोग्रेसिव ऑफ द इंसिडेंट वेव विच इज प्रोपगेटिंग इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव विच इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय वाई वन इज इक्वल टू आर साइन 2 पाई बाई लेमडा वी टी. ये पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हमने ले लिया. सपोज कीजिए हम इधर प्लस डायरेक्शन ले रहे हैं, जहां ये बता दीजिए कि क्या है, वेयर आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव विच इज प्रोपगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, वी इज द स्पीड बाई विच द वेव प्रोपगेट्स, एंड नाउ दिस वेव गेट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फिक्स एंड, बिकॉज फिक्स एंड इज द एक तरह से डेंसर मीडियम है. आगे आपने स्टॉक्स ला पढ़ा था कि जब कोई वेव किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें 180 का फेस डिफरेंस आ जाता है. यानी कि हम यहां पर तो इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव ये तो क्या है, इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव एंड इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज गिवन बाय, बता दीजिए बेटे क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू, मैं यहां पर जो नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूं क्योंकि जो वेव है वो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो 180 का फेस डिफरेंस आ जाता है. साथ में r साइन 2 पाई बाई लेमडा vt माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया है. अकॉर्डिंग टू दी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अब ये दोनों वेव, एक वेव इंसिडेंट वेव है और दूसरी रिफ्लेक्टेड वेव है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y1 प्लस y2, पुट द वैल्यू ऑफ y1 एंड y2 फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस,
In this equation, let us write, this is y1 r sine 2 pi by lambda vt plus x minus r. R common ले लेते हैं क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है, minus sine 2 pi by lambda vt minus x. ठीक है, वी हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई वन एंड वाई टू फ्रॉम दीज टू इक्वेशन इन दिस इक्वेशन. यहां एक फार्मूला आपको नजर आ रहा है, साइन सी माइनस साइन डी. बिल्कुल देखिए क्या फार्मूला है ये, साइन सी माइनस साइन डी. और ये फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू. ये सी है ये डी है. अप्लाई दीज रिलेशन हियर, वी कैन राइट हियर टू, टू तो हमने बाहर ले लिया है, आर यहां पहले से ही है, आर कोस सी प्लस डी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए टू पाई बाई लेमडा तो कॉमन है ही, एक्स प्लस और एक्स माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास और फिर दो से डिवाइड करेंगे तो यही रह जाएगा, टू वी टी होता बट वी टी. ठीक है, और फिर साइन, साइन बताना. अब की बार हम माइनस करेंगे तो ये तो दोनों प्लस हो जाएगा, वी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, टू पाई बाई लेमडा और इंटू एक्स. ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें टाइम के साथ, क्योंकि ये चीज वेरी कर रहा है तो टाइम वाला फैक्टर तो ये है, तो बाकी के जो जो बच गए हैं वो सब एम्पलीट्यूड में आ जाएंगे. तो क्या क्या बच गया, 2r और साइन ए. यानी कि इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2r साइन 2 पाई बाई लेमडा एक्स और कोस 2 पाई बाई लेमडा और वी टी. कुछ नहीं किया मैंने, 2r ये साथ में लिख दिए हैं. तो इस साइन इस कोस का जो कोफिशियंट है आप सभी जानते हैं, कोफिशियंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है. ये फेज है और ये क्या है, कोफिशियंट है, और इसी कोफिशियंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं. तो लेट अस राइट हियर, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन हियर कि वाई इज इक्वल टू ए कोस 2 पाई बाई लेमडा VT. This is the equation of stationary wave which is developed in the string which is fixed at the two ends. Where ye to equation hai bete, where A is equal to this. This is the amplitude. A is equal to 2R साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव या स्टेशनरी वेव, क्योंकि वो रिजल्टेंट वेव ही स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव है, एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव और रिजल्टेंट वेव. ठीक है, अब ये जो फैक्टर है यही हमें आगे की स्टडी करने के काम आएगा कि किस तरह के हार्मोनिक्स इसमें डेवलप होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, तो चलिए देखते हैं. अब मुझे बताइए, इस एंड पर x की वैल्यू जीरो है, ठीक है, और ये एंड फिक्स है, जिस चीज को आप पकड़ ही लेंगे तो उसको मीन पोजीशन से वो तो वाइब्रेट करेगा ही नहीं. पार्टिकल जो इस एंड पर है जो फिक्स है तो वहां पर तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा. तो यहां पर एक्स की वैल्यू जीरो रख के देखिए तो आपको क्या मिलने वाला है, एम्पलीट्यूड इक्वल टू जीरो, बिकॉज साइन जीरो इक्वल टू जीरो, और जब जीरो से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मतलब इस एंड पर क्या बनने वाला है, नोड बनने वाला है, नोड ही बनेगा. यानी कि ए इजकल टू जीरो, दैट इज
node is formed at x is equal to 0. क्लियर हो गया. अब बात कर लेते हैं दूसरे एंड की, जहां पर x की वैल्यू कितनी है, l. और अगर x की वैल्यू l है तो यहां पर बताइए ये जो एम्पलीट्यूड है ये हमें क्या देगा. नाउ इक्वेशन दूसरी में बात कर रहा हूं, पहला केस आपने यहां किया, अब मैं सेकंड बात कर रहा हूं यहां पर कि एट x इज इक्वल टू l. मैं अब उस सेकंड एंड की बात कर रहा हूं, x इज इक्वल टू l. अगर ऐसा है तो यहां पर a क्या होगा बेटे, यहां पर भी a जीरो ही रहना है. जीरो क्यों रहना है, क्योंकि वो भी फिक्स एंड है और फिक्स एंड पर तो डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड क्या रहना है, जीरो रहना है. इसलिए अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, ये जीरो है, इसका मतलब ये वाला फैक्टर जीरो है आप कह सकते हैं. और ये तो क्योंकि जीरो हो नहीं सकता तो फिर ये वैल्यू जीरो होगी. और आप इसको कैसे लिखेंगे, साइन 2π बाई के बराबर हो गया, 2r जीरो हो नहीं सकता, प्रोडक्ट जीरो है तो फिर ये वाला फैक्टर जीरो हो गया. साइन थीटा जीरो कब होता है, थीटा क्या, ये थीटा है, एंगल है एक तरह से 2π बाई लैम्डा l, या तो ये जीरो हो या फिर ये पाई हो 180, 2π हो 360 भी जीरो होता है, 3π 4π 5π इस तरह से, यानी कि पाई का मल्टीपल होगा. आप इसको ये कह सकते हैं n π, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, यही होगा यहां पे. पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया यहां पर, और यहां से अब हमारे पास आ गया है l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2. ये देखो l इज इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, ये एक जनरल इक्वेशन हमारे पास आ गई है. ये देखिए यहां से आप लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और लेंथ की वैल्यू भी पूरी सिस्टम से कह सकते हैं, यानी कि आप अगर लैम्डा निकालना चाहते हैं यहाँ से तो इस तरीके से निकाल सकते हैं 2l बाई बाई n, यही है ना. तो ये जो इक्वेशन है इसे वेवलेंथ हम डिटरमाइन कर सकते हैं. लेंथ हमारे पास स्ट्रिंग के केस में पहले से आई हुई है, आप खुद देखवा जाएगी उसमें, तो फिर वो स्ट्रिंग ही नहीं रहेगी. n1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन फॉर डिफरेंट पॉसिबल हार्मोनिक्स, जो उसमें डिफरेंट टाइप के जो पॉसिबिलिटीज हैं मोड ऑफ वाइब्रेशंस जो होंगे उनके तहत. ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए, एंड सो ऑन. और इस तरह से अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस के इसमें मोड डेवलप होंगे. अब हम वही चीज देखते हैं, ये फार्मूला हमने डेवलप कर लिया, टू वेयर एन इज इक्वल टू, बिल्कुल देखिए जो फार्मूला ड्राइव किया हमने वो ये है, और एन की वैल्यू यहां 1 होगी फॉर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, एन की वैल्यू 2 होगी फॉर सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एन की वैल्यू 3 एंड शोन. चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं पहला ही केस, n इज इक्वल टू 1. सबसे सिंपलेस्ट चीज यही हो सकती है, आप समझ गए हैं. अगर n को 0 करेंगे तो l क्या आएगा, 0. इट मींस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0. वो तो कोई बात नहीं बनी, वो तो कोई प्रैक्टिकल वैल्यू हुई नहीं. तो नेक्स्ट जो पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, n1. तो बताइए ये इक्वेशन क्या देगी हमें, दिस इक्वेशन 2 गिव्स, बताइए एल कितना हो जाएगा यहां पे, लैम्डा बाई 2, यानी कि जो लेंथ है वो लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगी. एक बात मैं आपको बताऊं यहां पे, ये देखिए ये है कंप्लीट वेव और इस वेव की जो लेंथ है ये लैम्डा है ना. तो फिर यहां एक ये और एक ये, यहां पर तो नोड ही बन रहा है, ये भी नोड है, ये दोनों पॉइंट्स तो नोड ही बन रहे हैं क्योंकि दोनों पॉइंट्स तो फिक्स हैं. तो जो फर्स्ट जो पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन यहां पर आप लोग देख रहे हैं वो ये हो सकता है. ये देखिए जो फर्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो कुछ इस टाइप का हो सकता है, ठीक है बेटे, किस टाइप का हो रहा है, ये है, ये देखिए इतना हिस्सा
वेव का बन गया है। और ये वेव की आधी वेव होगी ना, और दो जब नोड्स हैं तो ये हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आप देख रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एंटी नोड। और ये किसके बराबर आ गया है, ये भी आप देख रहे हैं, ये लेमडा बाई टू के बराबर हो गया है, लेमडा बाई टू, हाफ वेव, ठीक है। यहां पर हम देख भी रहे हैं एल इजिकल टू लेमडा बाई टू, और यहां से लेमडा की वैल्यू भी हम डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, द लेमडा इज इक्वल टू टू एल, ठीक है। अब अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो वी इजिकल टू म्यू लेमडा होता है। मान लो इस स्ट्रिंग में जो वेव की वेलोसिटी है वो वी है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, लेमडा इसकी वेवलेंथ है ही, और वी इजिकल टू म्यू लेमडा होता है। वी इज द वेलोसिटी इन दिस केस, अगर वेव की जो वेलोसिटी है वो वी है, तो आप एक बात कह सकते हैं कि म्यू वन इज इक्वल टू वी बाई लेमडा। क्यों बेटे, ये मैंने वन लगा दिया है यहां पर क्योंकि ये एन की वैल्यू वन है, ये फर्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, दिस इज द सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इससे कम कुछ नहीं हो सकता। दो नोड्स बनने ही बनने हैं तो बीच में एक एंटी नोड बनेगा, इसे हम फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं क्योंकि इससे नीचे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये बेस है, बेसिक है, इसीलिए ये है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा हियर, अगर मैं, और ये भी जानते हैं वेलोसिटी क्या होती है बेटे, स्ट्रिंग के केस में जो वेलोसिटी हमने बताई थी टी बाई एम, टी क्या है, टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और एम मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और लैम्डा ये हमने निकाल दिया 2L के बराबर है। तो आप क्या कहेंगे यहां पर, दिस म्यू वन इज इक्वल टू वन बाई टू एल इन टू टी बाई एम। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसे हम फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन भी कहते हैं या फिर बेसिक मोड ऑफ वाइब्रेशन, सिंपलेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कहिए, और इसे ही हम फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं बेटे, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, इज इक्वल टू टू, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो इनकी वैल्यू जीरो तो हो नहीं सकती थी, तो वन ही होएगी, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो रही है यहां पे, जो सेकंड पॉसिबिलिटी एन इक्वल टू, तो ये इक्वेशन हमें क्या देखिए यहां पे देखना, एल इज इक्वल टू लेमडा, क्योंकि टू करेंगे तो टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये एल आ गया बेटा यहां पर देखिए, यानी कि